सभी को नमस्कार। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सुकनासोपदेशम, जो बाणभट्ट की कादंबरी से लिया गया है। बाणभट्ट की कादंबरी में पूर्व भाग में सुकनासोपदेशम है। सुकनासोपदेशम को सुकनास गीता भी कहा गया है। महाभारत में गीता की तरह ये उपदेश जो है वो जिसे कहें कि उदाहरण के रूप में दिया जाता है या सर्वमान्य है। सुकनास चंद्रापीढ़ को उपदेश दे रहे हैं और प्रकारांतर से नई पीढ़ी को उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि युवा अवस्था जब आती है और जब शक्तियां जब आती है और लक्ष्मी जब आती है और ऐश्वर्य पूर्व से ही जब आपके पास होता है, तब क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। वो परिणामों के बारे में यदि हम जान लें पहले से, तो जब परिस्थिति सामने आएगी तो हमें पता होगा कि ये सब होने वाला था और उसको सामना करने के लिए अथवा उसके प्रतिकूल जो परिणाम होने वाले हैं उनसे सावचेत रहने के लिए हमको पहले से ही जानकारी हमारे पास में होगी। तो चंद्रापीढ़ को उपदेश देते हुए सुकनास जो है वो बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि युवा अवस्था जब आती है तब उस प्रकार उपदेश को किस रूप में विद्यार्थी लेते हैं या युवा लोग लेते हैं, उसको थोड़ा सा उन्होंने सचेत किया है। और गुरु का उपदेश कैसा होता है, गुरु का उपदेश किधर किस विद्यार्थी में जाकर के किस प्रकार का असर करता है, तो गुरु का उपदेश जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये सब बताते हुए लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में वो इस समय बात कर रहे हैं। बहुत सारा हमने लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में इससे पहले जाना है कि वो चूँकि समुद्र से निकली है समुद्र मंथन के समय, इसलिए वो जो जितने भी उसके साथ में निकलने वाले जो रत्न हैं जिनकी संख्या 14 है, तो अपने साथ में रहने वाले सभी रत्नों के जिसे कहें कि स्मृति चिन्हों के रूप में लेकर के उनकी विशेषताओं को निकली है। और ये जो गुण है उसके अंदर कठोरता का अथवा चंचलता का अथवा जो है पास जो साथ में जिसे कहें कि कौस्तुभ मणि है उच्च श्रवा जो है उसको, और वो राग को पारिजात पल्लव से, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे गुणों को लेकर के वो वहाँ से निकली है। और मंदराचल पर्वत से जब मंथन किया गया था तो सारा समुद्र का जल गोल गोल घूम रहा था, तो मानो वो गोल घूमती रहती है। इसका मतलब ये है कि वो संस्कार पड़ गया है, वो आदत पड़ गई है, उसका स्वभाव है कि वो कहीं पर भी स्थिर नहीं ठहरती है। और ऐसे बहुत सारी जो है लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में, लक्ष्मी के आने पर जिसे कहें कि स्वभाव में आने वाले परिवर्तनों के बारे में सुकनास सावचेत कर रहे हैं चंद्रापीढ़ को। और इसी क्रम में लक्ष्मी के स्वभाव के क्रम में ही आगे वो कह रहे हैं कि सरस्वती परिगृहितम ईर्ष्येव न आलिंगति जनम गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पृशति उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते सुजन निमित्तम इव न पश्यति अभिजातम अहिम इव लंघयति चूरम कंटकम इव परिहरति दातारम दुस्वप्नम इव न स्मरति विनीतम पातकीनम इव न उपसर्पति मनस्विनम उन्मत्तम इव उपहसति। सरस्वती का कैसा स्वभाव है वो ये कह रहे हैं सबसे पहले कि सरस्वती परिगृहितम ईर्ष्या इव, सरस्वती के द्वारा परिगृहित यानी सरस्वती ने जिसको ग्रहण किया है अर्थात सरस्वती जिसके पास है उसको ईर्ष्या इव, मानो ईर्ष्या की वजह से या मानो ईर्ष्या के कारण न आलिंगति, उसका आलिंगन नहीं करती है, इसका मतलब वो उसके पास नहीं जाती है। जिसके पास सरस्वती है उसके पास लक्ष्मी नहीं जाती है। तो ऐसा कहा जाता है, किंवदंती है, कि सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ नहीं रहती है। अगर सरस्वती रहती है तो लक्ष्मी नहीं रहती है, लक्ष्मी आती है तो सरस्वती चली जाती है। तो बच्चों, इसके भीतर जो एक मूल जो गूढ़ बात है वो ये है कि सरस्वती अर्थात विवेक अर्थात सही और गलत का ज्ञान, तो नैतिक और अनैतिक का ज्ञान, करणीय और अकरणीय का ज्ञान। तो जब हमें करणीय और अकरणीय का ज्ञान हो जाएगा, जब नैतिकता का ज्ञान हो जाएगा, जब सत्य का ज्ञान हो जाएगा, जब सही और गलत का ज्ञान हो जाएगा, तब मनुष्य केवल सही करेगा और गलत नहीं करेगा, और केवल सही तरीके से पुरुषार्थ के द्वारा जो अर्जित की गई लक्ष्मी है वो लक्ष्मी
बहुत अधिक मात्रा में नहीं होती। जब लक्ष्मी को बहुत अधिक मात्रा में अर्जित करना होता है तो मनुष्य को बहुत सारे तरीके, बहुत सारे जिसे कहें कि अन्य उपाय करने पड़ते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं नैतिकता और सही गलत के ज्ञान को विस्मरण करना पड़ता है। तो जब लक्ष्मी आ जाती है, इसका मतलब जब सरस्वती के द्वारा प्रदत्त बुद्धि, सद्बुद्धि का जब त्याग करता है तब उसके पास लक्ष्मी आती है। और इसीलिए लक्ष्मी जो है, कहते हैं कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। उल्लू जो है वो रात्रि में ही देख सकता है। तो रात्रि में लक्ष्मी आती है और जो उल्लू की तरह मनुष्य है उसका उसकी सवारी करती है। और बुद्धि जैसे ही आती है तो वो लक्ष्मी का, लक्ष्मी जो है क्षणभंगुर है, आती जाती रहती है, वो ये समझ जाता है, इसलिए वो उसको ज़्यादा महत्व नहीं देता है। इसलिए सरस्वती और लक्ष्मी एक स्थान पर नहीं रहती है। इसी बात को प्रकारांतर से कवि कह रहे हैं उत्प्रेक्षा में कि मानो सरस्वती से ईर्ष्या होने के कारण लक्ष्मी जिसके पास सरस्वती है उसके पास जाती ही नहीं है। और जन्म गुणवंतम, और गुणयुक्त जो मनुष्य है, गुणवंतम द्वितीया का एक वचन है, तो गुणवान, गुण में मतुप प्रत्यय है, मतुप का वत मत शेष रहता है, मत का वत हो जाता है और गुणवान बनता है। और द्वितीया के एक वचन में वो गुणवंतम, ऐसा गुणवंतम जन्म, गुणयुक्त मनुष्य को अपवित्रम इव अपवित्र की तरह न स्पर्शति, स्पर्श ही नहीं करती है। जो गुणी व्यक्ति होता है उसको लक्ष्मी वैसे ही स्पर्श नहीं करती जैसे हम किसी अपवित्र या अस्वच्छ वस्तु का स्पर्श नहीं करते। तो अपवित्र वस्तु की तरह गुणयुक्त व्यक्ति का वो स्पर्श नहीं करती है, यानी गुणी के पास नहीं जाती है। जब गुणों को छोड़ता है मनुष्य तब वो उसके पास में आती है। इसका तात्पर्य भी वही है कि जब जो अच्छे गुण है, जो सद्गुण है, जो सदाचार है, उसका त्याग करते हैं तब लक्ष्मी बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। तो जो गुणी मनुष्य है उसका लक्ष्मी स्पर्श नहीं करती। कैसे स्पर्श नहीं करती? जैसे हम अस्वच्छ या अपवित्र वस्तु का स्पर्श नहीं करते हैं। तो लक्ष्मी के लिए गुणी कैसा है? अपवित्र की तरह है, वो उसके पास नहीं जाती, वो उसका स्पर्श भी नहीं करती है। तो सरस्वती परिग्रहितम, सरस्वती के द्वारा परिग्रहित, सरस्वती ने जिसको ग्रहण किया है, परि उपसर्ग है, गृह धातु है, और जो है त प्रत्यय है परिग्रहितम, उसके द्वारा परिग्रहित को ईर्ष्या इव, मानो ईर्ष्या के कारण न आलिंगति, आलिंगन नहीं करती, यानी वो उसके पास नहीं जाती। और गुणवंतम जन्म, गुणयुक्त मनुष्य को अपवित्रम इव, अपवित्र की तरह न स्पर्शति, स्पर्श नहीं करती। स्पर्श धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है यहाँ पर। तो गुणयुक्त व्यक्ति का स्पर्श नहीं करती और सरस्वती जिसके पास है उसका आलिंगन नहीं करती, यानी वो उसके पास नहीं जाती। आगे क्या कह रहे हैं कि उदार सत्वम, जो उदार प्राणी है, उदार प्राणी मतलब बड़े हृदय वाला व्यक्ति जो है उसको अमंगलम इव, अमंगल की तरह न बहुमन्यते, बहुत अधिक आदर नहीं करती है। उदार व्यक्ति उसके लिए अमंगल है। तो लक्ष्मी के लिए अमंगल क्यों है? क्योंकि उदार व्यक्ति जो है वो दान करता है। अब जब दान करता है तो लक्ष्मी के लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो लक्ष्मी को तो रखना ही नहीं चाहता, तो वो दान कर देता है। तो उदार व्यक्ति को वो अमंगल की तरह मानती है और उसका आदर नहीं करती है। सुजनम अनिमित्तम इव न पश्यति, सुजनम जो सुजन है, जो सज्जन है, उसको अनिमित्तम इव, मानो निमित्त ही नहीं है, लक्ष्मी का निमित्त ही नहीं है, लक्ष्मी का प्रयोजन ही नहीं है, लक्ष्मी के लिए कोई कारण ही नहीं है सज्जन व्यक्ति, तो उस सज्जन व्यक्ति को वो अनिमित्तम इव, अनिमित्त की तरह न पश्यति, देखती ही नहीं है। और अभिजातम, जो अभिजात है, अभिजात मतलब अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, अभि उपसर्ग है, जन धातु है और त प्रत्यय है, अभिजातम जो अभिजात व्यक्ति है, जो कुलीन व्यक्ति है, उसको तो वो अहिम इव, सर्प की तरह लंगयति, लांग जाती है। जैसे चलते चलते अगर रास्ते में सांप आ जाए तो मनुष्य जो है उछल करके उसको पार करके दूर चला जाता है, ऐसे ही अगर बीच में कुलीन व्यक्ति आ जाए तो लक्ष्मी उसको पार करके उस तरफ चली जाती है, यानी कि वो उसको उसके पास नहीं आती है। और शूरम, शूरवीर व्यक्ति जो है उसको कंटकम इव परिहरती, कांटे की तरह जो है वो त्याग देती है। शूर व्यक्ति जो होता है वो वीरता को, बहादुरी को, पराक्रम को अपना जो है गहना मानता है, अपने वही लक्ष्मी, उसके लिए वीरता ही लक्ष्मी है।
तो वो लक्ष्मी को ज़्यादा महत्व नहीं देता है, क्योंकि लक्ष्मी उसके लिए आती जाती रहती है, वो जब भी चाहेगा तभी वो किसी भी राजा को हरा करके उसको प्राप्त कर लेगा। ऐसे कई कई राजा हुए हैं बच्चों, जिनका जिनका जिसे कहें कि उल्लेख हम शास्त्रों में देखते हैं, जिन्होंने कितनी ही बार अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी और फिर से जो है उसको अर्जित कर ली। जैसे हम लोग जो है रघु और कोच का उदाहरण देखते हैं कि रघु ने अपना सारा सब कुछ जो है वो दान कर दिया, और उसके बाद कोच उनके पास आए कि उनको गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ सोने की मुद्राएँ चाहिए, तब उनके पास कुछ नहीं था। तो रात को ही उन्होंने निर्णय किया कि वो इंद्र पर आक्रमण कर कुबेर पर आक्रमण करेंगे और वहाँ से वो धन संपत्ति लेकर के आएंगे। तो कुबेर जो है वो भय की वजह से उनको वो धन संपत्ति दे देते हैं, और रघु जो है वो पूरी की पूरी धन संपत्ति जो है कोच को दे देते हैं, लेकिन कोच को 14 करोड़ से ज़्यादा चाहिए नहीं। तो इस प्रकार जो शूरवीर व्यक्ति है उनको धन से कोई मोह नहीं होता, इसलिए शूरवीर व्यक्ति लक्ष्मी के लिए कांटे की तरह होता है। जैसे कांटा चुभता है, ऐसे ही लक्ष्मी की दृष्टि में वो शूरवीर व्यक्ति जो है वो चुभता है। क्यों? क्योंकि वो उसको महत्व नहीं देता। दातारम देने वाले को, दा धातु है और त्रिच प्रत्यय है, वो दाता देने वाला, वाला अर्थ में त्रिच प्रत्यय होता है, प्रथमा के एक वचन में फिर जो है दाता बनता है, द्वितीया का एक वचन है ये दातारम, तो रूप चलते हैं दाता दातारम दातारम दातारम, तो द्वितीय के एक वचन की में दातारम है। दातारम का मतलब है दाता को, दाता मतलब देने वाला, देने वाले को न स्मृति, याद नहीं करती, जो दे देता है उसको फिर वो भूल जाती है। कैसे? दुःस्वप्नम इव, बुरे सपने की तरह, जैसे हम बुरे सपने को भूल जाते हैं, भूलना चाहते हैं, वैसे ही ये जो दान दे देता है उस देने वाले को वो बुरे सपने की तरह भूल जाती है। और विनीतम, जो विनम्र है, वि उपसर्ग है, नी धातु है और त प्रत्यय है, तो द्वितीय का एक वचन है विनीतम, विनीत व्यक्ति को पातकीनम इव, पापी की तरह न उपसर्पति पास में नहीं जाती है। तो जो पातक करने वाला होता है, पातक जो है वो धर्मशास्त्र की परिभाषा में पाप है, दंडनीय कार्य जो है उसको पातक की संज्ञा दी गई है। तो विनीतम, विनीत व्यक्ति को, विनम्र व्यक्ति को पातकीनम इव, पातकी की तरह, पापी की तरह न उपसर्पति पास में ही नहीं जाती है। विनम्र व्यक्ति के पास पापी की तरह पास में ही नहीं जाती है। जैसे पापी व्यक्ति से समाज में सब लोग दूर रहते हैं, ऐसे लक्ष्मी भी जो है विनीत व्यक्ति को पातकी मानते हुए उसके पास नहीं जाती है। मनस्विनम, और जो मनस्वी है, जो चिंतनशील है, जो मननशील है, उसको उन्मत्तम इव, उन्मत्त की तरह, उसको लगता है ये उन्मत्त है, ये पागल है, ये विक्षिप्त है, ऐसा मान करके उपहसती उसका उपहास करती है। लक्ष्मी जो है वो मनस्वी व्यक्ति का उपहास करती है। तो लक्ष्मी, ये जो गुणीजन है उनके पास लक्ष्मी नहीं आती है। कह रहे हैं कि सरस्वती परिग्रहितम ईर्ष्या इव न आलिंगति, तो सरस्वती के द्वारा जिसको